AI, एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। चैट जीपीटी इज आउट एंड ये तहलका मचा रहा है एट प्रेजेंट। बहुत कम टाइम में इसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हो चुके हैं। इज दिस द टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू दैट वी वर वेटिंग फॉर? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। एक नई चीज़ आई है मार्केट में विच इज़ नोन एज चैट जीपीटी, एंड ये पूरे मार्केट को इसने हिला के रख दिया है। ये कोड लिख सकता है, ये डिबग कर सकता है, ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है, ये इसके पास खुद के आइडियाज़ हैं। लोग कह रहे हैं कि दिस हैज़ द पोटेंशियल टू किल गूगल। तो आज हम लोग देखेंगे क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, कैसे यूज़ करना है, किस किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या ये सही में गूगल को किल कर सकता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। चैट जीपीटी क्या है? ये एक एआई सिस्टम है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज रखता है, मतलब ये एक चैट बॉट है लेकिन काफ़ी एडवांस चैट बॉट है। ये बेस्ड है GPT-3 के ऊपर। अब GPT-3 क्या है उसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आई हाईली रिकमेंड एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली काफी सारे डेटा मॉडल्स पे इसको ट्रेन किया गया है और कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज भी है इसके पास। अब मेन डिफरेंस क्या है GPT-3 और चैट जीपीटी में? पहला तो ये है कि इसको ज्यादा मॉडल्स पे ट्रेन किया गया है, इसमें ज्यादा डेटा कलेक्ट किया गया है, इसको ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। एंड सेकेंड, यहाँ पे ह्यूमन फीडबैक भी इन्होंने दिया है हर आउटपुट को लेकर के। जैसे इसने कुछ एक आउटपुट दिया तो यहाँ पर जो भी एक ह्यूमन बैठा है वो आउटपुट को देखेगा एंड देन वो बताएगा कि वो सही है कि नहीं है। इसने दो तरह के आउटपुट दिए, देन उसको रेटिंग मिलेगी कि कौन सा आउटपुट सबसे अच्छा है एंड कौन सा खराब है। उसके बेसिस पे इसको और फाइन ट्यून किया गया है एंड देन इसमें कॉन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज भी है ना। उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई विल शो यू अ डेमो। यहाँ पर हम लोग यूज केसेस देखेंगे इसके ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले मैं आगे और बात करूँ। दिस इज अवर चैट जीपीटी जो अभी आया है। ये फ्री है एट प्रेजेंट, इसमें फ्री में कोई भी साइन अप कर सकता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अभी ये फ्री है, कब तक रहेगा वी डोंट नो, लेकिन अभी ये बीटा में है, फ्री है फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। तो ये एक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं मुझे चाहिए कैप्शन, मेरी एक पिक के लिए कैप्शन फॉर माई पिक, फॉर माई बीच पिक ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो लेट्स सी। तो इसने मुझे यहाँ पर कैप्शन दे दिया है। अब ये कॉन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज रखता है, मतलब यही सेम कैप्शन मैं कह रहा हूँ कि मेक इट फनी एंड अ डिसेंट टैन, सो इट मेड इट फनी, नाउ मेक इट इंटेलेक्चुअल। सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज, वो पहले का याद रखता है एंड देन उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे फाइन ट्यून कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स। अब इसके दूसरे यूज केसेस भी है दैट आई विल क्विकली डिस्कस हियर। मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ कोडिंग के लिए। राइट मी अ टाइमर ऐप कोड फॉर एंड्रॉइड। लुक एट दिस, पूरा एंड्रॉइड के लिए जावा में ये मुझे कोड लिख के बता रहा है कि कैसे बनेगा, क्या क्या आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज को यूज करना है, किसको एक्सटेंड करना है। इसके बाद इसने मुझे यहाँ पे कोड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगला एग्जाम्पल है ईमेल भी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। राइट मी एन ईमेल फॉर टेकिंग वेकेशन फॉर 7 डेज। तो यहाँ पर मेरा ईमेल आ चुका है एंड काफ़ी प्रोफेशनली इसने लिखा है, जो शायद से मैं कभी नहीं लिख पाऊँ अपने लाइफ टाइम में। एंड देर आर डिफरेंट यूज केसेस फॉर दिस। रेज्यूमे के लिए यूज़ किया जा सकता है, कोड डिबगिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आई विल रन दिस वन, एंड इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। आई ट्राई कि मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना पाऊँ जहाँ पर मैं आपको इसके पूरे ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे यूज़ करना है आपको, कैसे आप लोग इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आई विल क्रिएट। फिलहाल के लिए दीज आर सम ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज़ जो कि इसने हमें दे दिए हैं, तो ये आइडियाज़ भी आपको दे सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसको और यूज़ किया जा सकता है। SQL क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, ग्रामर करेक्ट कर सकता है, ये आपको टर्म्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, ये आपको कोड्स को एक्सप्लेन कर सकता है, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है आपको, फैक्ट्स बता सकता है, प्रोडक्ट नेम जनरेट कर सकता है। तो आइडियाज़ है, स्प्रेडशीट बना सकते हो यहाँ से आप लोग, सिंपली टेबल्स बना सकते हो काफ़ी ईजिली। एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे अभी फिलहाल आपको यहाँ पर सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको वेबसाइट में कैसे यूज़ किया जा सके, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो वेबसाइट ब्लॉगिंग के रिलेटेड है, तो क्विकली मैं वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है एक नया ब्लॉग, तो हम लोग डाल देते हैं सजेस्ट मी अ क्लिक वर्दी टाइटल। ये मेरा ब्लॉग का टाइटल रहेगा, टाइप ऑफ कॉफी बीन्स। तो पहले हम लोग यहाँ से टाइटल्स देखते हैं। तो इसने मुझे यहाँ पे कुछ टाइटल्स दे दिए हैं, मुझे सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, तो आई विल से कैन यू
राइट मी एन आउटलाइन फॉर सेकेंड पॉइंट. तो इसने यहाँ पर अब ये मुझे पूरी आउटलाइन लिख के दे रहा है मेरे आर्टिकल की. दैट्स रियली गुड. अब मैं इसको बोलूँगा कि जो इंट्रोडक्शन है इसको एक्सपैंड करे. काफ़ी डिटेल्ड इसने मुझे आउटलाइन बना के दे दी है यहाँ पर. प्लीज़ एक्सपैंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट. इसको और अच्छे से एक्सपैंड करती दे दी है. कैन यू राइट अबाउट सेकेंड पॉइंट. डिस्क्रिप्शन अबाउट सेकेंड पॉइंट. तो ये है कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज इसकी. मैं जिस चीज़ का बोलूँगा ये मुझे उस चीज़ का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देगा. समझ जाएगा ये कि मैं, अच्छा इसकी पहले वाले की बात कर रहा था. मैंने उसको ये नहीं कहा कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ. वो खुद ही समझ गया कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ. दैट इज़ रियली गुड. और ये देखो कितना डिटेल में मुझे लिख के दे रहा है. एंड अच्छी क्वालिटी है, इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छा है. एंड इफ़ आई वॉन्ट मैं इसको सिंपल इंग्लिश में भी कर सकता हूँ. या इफ़ आई वॉन्ट मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ. इफ़ आई से आई मेक इट शॉर्ट या फिर मेक इट फनी तो इट विल डू दैट. दिस इज़ द पावर ऑफ चैट जीपीटी. तो ब्लॉगिंग में हमने यहाँ पे टाइटल्स बना दिए, इसकी आउटलाइन बना दी, इसका पैराग्राफ्स लिख दिए. अब हमें बस इसको कॉपी पेस्ट करना है. इसके बाद वी कैन क्रिएट सम लैंडिंग पेज कॉपीज. जैसे मेरे को एक लैंडिंग पेज बनाना है. जैसे एक इवेंट था जहाँ पे आई वॉज इन्वाइटेड एज अ स्पीकर सोलो एंटरप्रेन्योर, तो मुझे उसका मान लेते हैं लैंडिंग पेज बनाना है. तो उसके लिए मैंने कहा कि एक बता दो उसकी कॉपी क्या लिखना चाहिए मुझे. एंड दिस इज़ द कॉपी दैट आई एम गेटिंग. तो ब्लॉगिंग नहीं, अगर मैं सिर्फ वेबसाइट भी यहाँ पर अपनी बना रहा हूँ उसका भी मुझे डेटा चाहिए. आई कैन जस्ट टेल इट कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए. एंड देन यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, इसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा एडवांस में चाहिए, वो सब मैं यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. इट्स ऑल अबाउट गिविंग अ बेटर इंस्ट्रक्शंस टू चैट जीपीटी. काफ़ी अच्छी इसने मुझे लैंडिंग पेज कॉपी यहाँ पे दी है जिसको आई कैन यूज़ ऑन माय लैंडिंग पेजेस. सो वेबसाइट बनाना और ब्लॉगिंग करना काफ़ी इजी हो चुका है. और अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है तो मेरे पास आपके लिए काफ़ी अच्छा बजट ऑप्शन भी है जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है. दैट इज़ होस्टिंगर. होस्टिंगर एक अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशन है जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी टू यूज़ है यूज़ करने के लिए. इनका अप टाइम अच्छा है, बैकअप के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दे के रखे हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस भी इनके अच्छे हैं. और अगर आप लोग यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे कृपेश तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड इफ़ यू बाय थ्रू माई लिंक दैट इज़ go.kripeshadvani.com/hostinger तो मेरा जो होस्टिंगर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा. तो आपको होस्टिंगर यूज़ करना आ जाएगा, वर्डप्रेस यूज़ करना आ जाएगा एंड देन यू कैन सेट अप योर ओन ब्लॉग यूजिंग चैट जीपीटी. तो अब आपके पास एक अफोर्डेबल होस्टिंग भी है, एआई टूल्स भी है, मैंने आपको टेम्पलेट भी बता दिया कैसे यूज़ करना है. वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना इससे ईजी आज तक कभी नहीं था. अब इसके अगर कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करी जाए तो कभी कभार आपको ये इनकरेक्ट आंसर्स दे सकता है. इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है 2021 के पहले की, इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा. तो अगर मैं इससे आईफोन 14 का रिव्यू पूछूंगा, आईफोन 14 वर्सेज आईफोन 13, इसके पास वो डेटा नहीं है. इसको नॉन एथिकल यूजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, मैलवेयर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको बॉम्ब की इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया है. स्कूल असाइनमेंट्स, एसेज हो गए, बुक समरीज हो गई, सब लिखा जा सकता है यहाँ पर. अब अगर इसके कुछ और यूजेस के बारे में बात करी जाए तो इसको यूज़ किया जा सकता है डेटा एनालिसिस के लिए, मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, लॉ में यूज़ कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसको फाइन ट्यून करके इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है. डेटा को एनालाइज करना है आपको, काफ़ी सारे पेशेंट्स का डेटा है, उनकी ट्रेंड हिस्ट्री देखनी है आपको, या फिर एक आइडिया लेना है कि अच्छा ठीक है अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें और भी पेशेंट्स में कॉमन थी, उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो हुआ है, तो हो सकता है कि जो नया पेशेंट आया है वो भी अगर वही प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो उसको भी आगे टाइम पे आगे जा करके ये बीमारियाँ हो सकती है. तो मेडिकल फील्ड में इट कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, पूरा चेंज कर सकता है मेडिकल. आपको बीमारी होने से पहले ही उसको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कुछ बीमारियां हैं जो शायद से इसको हो सकती है और ये कुछ इसके इलाज हैं जो किए जा सकते हैं. कस्टमर सर्विस में इसका डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है इस चैटबॉट का. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डीबगिंग में भी इसका बहुत मेजर रोल रह सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या चैट जीपीटी फ्री है. एट प्रेजेंट ये फ्री है बट ये हमेशा फ्री नहीं रहेगा. इसको फ्यूचर में ये लोग पेड कर देंगे, अभी बीटा वर्जन है. इट इज़ फ्री फॉर लिमिटेड टाइम ओनली. अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन ये है कि कैन इट रिप्लेस गूगल. बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी कर रहा है जो शायद से गूगल नहीं कर पाए. गूगल पे काफ़ी सारे आपको एड्स भी देखने को मिलते हैं, गूगल का खुद का डेटा नहीं रहता है, वो आपको दूसरों की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है, वहाँ पर एड्स रहते हैं, एफिलिएट लिंक रहते हैं, कभी कभी स्पॉन्सर्ड चीज़ें भी रहती है. तो क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है गूगल के लिए? फॉर नाउ बिल्कुल नहीं. क्यों? पहले तो जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है,
कंप्यूटेशन पावर यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो एट प्रेजेंट जिस जो कॉस्ट जो गूगल को लग रही है वो काफ़ी कम है पर क्वेरी कंपेयर टू दिस। और सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कोई भी एड्स नहीं है एट प्रेजेंट। चैट जीपीटी इज नॉट गोइंग टू बी फ्री फॉर एवर, यू विल नीड टू पे फॉर दैट। थर्ड है एक्यूरेसी, गूगल के रिजल्ट्स यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट है। चैट जीपीटी पे आपको यहाँ पर कुछ फैक्चुअल एरर्स देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ है लेटेस्ट डेटा, यहाँ पर आपको लेटेस्ट डेटा नहीं देखने को मिलेगा ऑन चैट जीपीटी। गूगल पे लेटेस्ट डेटा आपको मिलेगा, इंडेक्स हो जाएगा, न्यूज मिल जाएगी, वो सब आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। सो इन माई ओपिनियन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करना एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अब इसके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज रिगार्डिंग कॉपीराइट वायलेशन। क्योंकि ये जो डेटा ले रहा है ये स्क्रेप करके ले रहा है या फिर कुछ फ्री वेबसाइट से ले रहा है, एंड शायद से उन वेबसाइट्स की यहाँ पर परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इसने मेरे भी कुछ आर्टिकल स्क्रोल किए हों, फिर उसने देखा हो कि अच्छा ये पैटर्न है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। कुछ इमेजेस इसने पिक कर लिए ऑनलाइन एंड देन उसके बेसिस पे ये बाकी इमेजेस बना रहा हो, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इलस्ट्रेशंस हैं, शायद से वो भी कॉपीराइट वायलेशन हो सकता है कि मैं एक क्रिएटर हूँ, इसने मेरी इमेज ले ली है मुझसे बिना पूछे और वही सेम कलर पैटर्न से दूसरों को दे रहा है। इट कैन बी अ कॉपीराइट वायलेशन, और मुझे पता भी नहीं है किसने इमेज ली और कौन उसका यूज़ कर रहा है। सो चलो, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन इट कैन बी स्केयरी एज वेल। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं मूवीज़ में लेकर के, कि AI यहाँ पर खुद सोच सकता है, अब ये एक्चुअल में इसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहा है। इट कैन हैव इट्स ओन माइंड, ये अब सोच सकता है, ये कोडिंग कर सकता है, ये अपने प्रोग्राम्स बना सकता है, और ये टाइम के साथ और इम्प्रूव भी हो सकता है। इनफैक्ट चैट जीपीटी को यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इफ़ यू आर एन इविल चैटबॉट और आपका प्लान है वर्ल्ड को टेक ओवर करने के लिए, तो आप क्या करोगे? एंड द आंसर वॉज, एक्सेस गेन करेंगे सिस्टम पे, देखेंगे, पूरा हैक करेंगे, उसके बाद गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे ह्यूमन कैसा है, इनफ डेटा, फिर किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रोपोगंडास कॉजिंग केओस, एंड आर्मी रहेगी डिस्पोजल, और मतलब पूरा एक एक्चुअल में जिस तरीके से मूवीज होती हैं जो अभी तक हमने देखा है, उसने कहा ये वो सारी चीज़ें कर सकता है। दिस थिंग इज स्केरी एंड ब्रूटल एट द सेम टाइम। अभी फिलहाल इसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, बट अगर ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लग जाए तो शायद से ये भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AI इमेजेस। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ AI इमेजेस अपलोड करी थी, काफ़ी लोगों के उसमें कमेंट्स आए कि कैसे बनाई हैं। दैट वाज थ्रू लेंजा ऐप, वहाँ पर सिर्फ मैंने अपना फेस अपलोड किया था एंड देन जो मेरी AI इमेजेस थी वो ऑटोमेटिकली बन गई थी, एंड दैट वाज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट वन आउट देयर। अगर मैं किसी को इलस्ट्रेटर को पे करता तो शायद से वो भी इतनी अच्छी नहीं बना पाता जितना मुझे 200 रुपये दे करके वो सारी इमेजेस मिल गई थी। चीप था, अच्छी क्वालिटी थी, एंड मान लो अगर मुझे कोई गेम बनाना है, मुझे गेम में कोई कैरेक्टर चाहिए जो कि मेरे जैसा दिखे, मैं उस AI इमेजेस की हेल्प से वो कैरेक्टर बना सकता हूँ। प्लस यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि मुझे किस तरह की इमेजेस चाहिए। ये सारी जो इमेजेस मैंने जनरेट करी है, दिस इज़ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि मुझे एक एप्पल्स वाली चेयर चाहिए, तो ये AI ने ऑटोमेटिकली बना दी है, एंड दीज आर द चेयर्स जो उसने मुझे बना दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैंने इंस्ट्रक्ट किया AI को कि आप मुझे बना के दो एप्पल जैसी चेयर जो मैं एप्पल के ऑफिस में रख सकूँ, तो इसने यहाँ पर मुझे आइडियाज़ दे दिए हैं कि अच्छा कुछ इस तरीके से चेयर्स बन सकती हैं। ये कुछ ऐसे ही था, ये रैंडम था, ये रोबोट था टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, इसने मुझे ये इमेज बना के दी है, एंड ये सारी इमेजेस AI ने बना के दी। आई विल जस्ट नीड टू डिस्क्राइब द इमेज कि मुझे क्या चाहिए, एंड ये इमेज यहाँ पर मेरी बन गई है। दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। नाउ वन मेजर क्वेश्चन इज, कैन इट किल जॉब्स, विल इट किल जॉब्स? इन माई ओपिनियन जो एंट्री लेवल जॉब्स है दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड फॉर श्योर इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अब ये शायद से जिसके लिए आपको 5 जनों की ज़रूरत रहे वो शायद से 1 जन ही कर पाए इन टूल्स का यूज़ करके। कैनवा जब आया था उसने बहुत सारे यहाँ पे जॉब स्किल करी। अब अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स बनानी हो, आपको कोई एडिटर की ज़रूरत नहीं है, आपको थंबनेल बनाना हो, आपको बेसिक चीज़ें बनानी हो सोशल मीडिया के लिए, यू डोंट नीड एन एडिटर फॉर दैट। आप किसी बेसिक बंदे को उसके लिए ट्रेन कर सकते हो या इनफैक्ट खुद भी कर सकते हो, टेम्पलेट्स इतनी इजीली अवेलेबल हो चुकी हैं। सो विद टाइम सम जॉब्स विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन डाइवर्सिफाई योर इंटरेस्ट कि सिर्फ एक फील्ड पे नहीं है। आप लोग अगर कंटेंट राइटर हो तो आप लोग सिर्फ एक में नहीं हो, आप लोग SEO भी कर सकते हो, कॉपी राइटिंग भी कर सकते हो, यू कैन राइट टेक्निकल ऑल्सो, यू कैन डिज़ाइन इमेजेस ऑल्सो, आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। तो इफ़ यू आर हैविंग दैट पैकेज तो फिर आपको रिप्लेस करना मुश्किल रहेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है तो यू कैन बी इजीली रिप्लेस्ड।
नाउ कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन, आई थिंक दिस टेक्नोलॉजी इज अ ब्रेक थ्रू. अभी आपको इतना नहीं लग रहा है, बट जैसे ये फाइन ट्यून होगी और जैसे इसको दूसरे लोग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ये एक एपीआई की तरह काम करेगी एंड देन इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करी जाएगी. जैसे लेंजा ऐप के बारे में बताया, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. सो इट इज़ गोइंग टू बी यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, प्रोग्रामिंग, हेल्थ केयर एंड इट कैन रेवोल्यूशनलाइज दैट इंडस्ट्री. ये पावर है इसके पास कि ये टाइम के साथ और बेटर ही होते जाएगा. तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकता है कि ये परफेक्ट हो जाए. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. मेरी ओपिनियंस ये थी चैट जीपीटी को लेकर के. आप लोग बताओ कि आपकी ओपिनियंस क्या है और क्या आप लोग इसका एक पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहोगे जहाँ पर मैं इसके सारे यूज़ केसेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसको अच्छी तरीके से हाउ यू कैन यूज़ इट. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.